सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटर्नल का। गाइस, तो आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में आपने जैसे कि देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना भाई, हमने कतई ज़्यादा ओपी और खतरनाक वाली जो हमारी डोडो रिग्स की आर्मी थी ना भाई, वो यहाँ पे फाइनली बना ली थी। और आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले, तो गाइस आज के एपिसोड में तुम्हारा जो भाई है ना भाई, वो यहाँ पे टीम करने वाला है भाई डोडो वाइब्रन को भाई, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले गाइस, यहाँ पे मैं बोलूँगा जाकर पिछला एपिसोड अगर आपने मिस करा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि ये डोडो रेक्स की जो आर्मी है ना भाई, वो कतई ज्यादा ओपी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी यार, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला पार्ट मिस करा है, वो वाला एपिसोड भाई मिस करा है, तो भाई जाके फटाक से देख के आ जाइए, क्योंकि काफी ओपी वाला एपिसोड है। और आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले गाइस, हम लोग जो ना सिर्फ 100 सब्सक्राइबर और दूर है 136,000 सब्सक्राइबर से। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा गोल कंप्लीट कर देना। अभी तक गाइस 45% ऐसे बंदे जो डेली हमारे चैनल पे आके वीडियोस देखते हैं लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते, तो पाप लगेगा यार, पाप लगेगा। तो तुमको यार तुम ऐसा गलती हो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो चले गाइस, आज का जो एपिसोड है वो बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू कर देते हैं। एंड वर्ल्ड दबाई मचा देते ना मेरे भाई। और एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके 60,000 बहुत ज्यादा जल्दी होने वाले, तो जाके कर लो ना यार फटाफट सब्सक्राइब और 60,000 का गोल कंप्लीट कर दो यार, ठीक है। तो चले मेरे भाई लोग, अभी जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को लोकेशन विकेशन दिखने की कोई भी जरूरत नहीं। पानी भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसको पानी चाहिए, वो पोषण खेल ये कर लेगा ना भाई। कहाँ पे चला गया भाई, वो स्टार्विंग पोषण था ना, ये रहा भाई। ओ मेरे एफएम के वाले वो पोषण भी खत्म हो गए, मैं भूल गया था भाई, रुक जाओ। पोषण से अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया भाई, मेरे एफएम के वाले जो है ना हीलिंग पोषण यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो गए थे। पिछली बार थोड़ी सी एल लग सकती थी अपने भाई डेजर्ट में, लेकिन बच गए भाई, ठीक है। आ जाओ, सारे हीलिंग पोषण जो है ना मैंने यहाँ पे बना दिए। और अभी जो है ना गाइस तुम्हारा भाई, रुक जाओ यहाँ पे जो है ना भाई, अपन को जाना पड़ेगा सबसे पहले वाइब्रन निकालने दो मेरे को, ठीक है। ग्रीन ऑब्लिक पे एंड अपन पुराने उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे जो है ना भाई हमने पिछले एपिसोड में टोटल पाँच जो है ना भाई वो यहाँ पे डोडो रेक्स टेम कर रहे थे गाइस, ठीक है। अपन वहीं पे चलेंगे गाइस, ठीक है, लेट्स गो। तो चले गाइस, चलते फटाक से हम यहाँ पे ग्रीन ऑब्लिक पे भाई, ठीक है। एंड वहां से हमको जाना है खतरनाक से रेगिस्तान में। अपन शेप शिफ्टर जो है ना भाई उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे रेगिस्तान में चलेंगे। एंड मस्त बेगी अपना शेप शिफ्टर भाई, ठीक है, वहां पे जो है ना भाई घूम रहे वो खतरनाक से डोडो वाइब्रन को टेम करेंगे। वैसे वो नॉर्मल कोई डोडो वाइब्रन नहीं है भाई, इंडोमियस वाले जो है ना भाई डोडो वाइब्रन है, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए जो ना भाई, ओह यहाँ पे मेरे को जेली स्टार का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना गाइस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे जो है ना बस उनके पॉइजन अटैक से बच के रहना है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि उनका पॉइजन अटैक जो है ना मेरे टेक सूट के ऊपर वर्क करेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को और कोई टेंशन लेने की बात है यहाँ पे भाई, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से शुरू होता है ना वो एरिया, आई थिंक यहाँ से नहीं, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये रहे भाई, ठीक है, दिखना शुरू हो चुके हैं भाई, ठीक है, इनका एरिया शुरू हो चुका है भाई। वो देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल है यार ये देख रहे हो, देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल और ख़तरनाक सा। यहाँ पे हमको एक आइस वाला ओबीसा वुल्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, चलो आ जा भाई। ए जेली स्टार आ जा भाई, जेली स्टार बाहर आ जा, जेली स्टार भाई, ठीक है, ये रही क्या अपनी जेली स्टार आ भाई, ये रही जेली स्टार, ये देखो टेरर बर्ड को चूल मच रही है, देख रहे हो जा रहे बाबा, उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में लेने का, जीरो का डैमेज दे रहा है एक तो भाई, लाड़ में आ रहा है भाई, जीरो का डैमेज दे रहा है भाई, गॉड आर्मर पहन के बैठे हैं हम भाई, ठीक है, ओके। ये रहा गाइस हमारा पहला शिकार, जो कि एकदम ओपी सा और खतरनाक सा। आजा भाई रुक जाओ, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, रुक जाओ, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। और एक काम कर ले के आज दोड़ो, अबे दो दिख गई यार, मेरे को इनकी आर्मी बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो ना भाई डोडो वाइब्रेंट की आर्मी जो ना अगले एपिसोड में बना ले, और यहाँ पे फिलहाल आज के एपिसोड में जो ना भाई अपन मैंटी को डेम कर लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक। चलो आ जाओ गाइस, मैंटिकोर भी यहाँ पे आजू बाजू कहीं पे घूम रहा है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंटिकोर जो है ना भाई वो थोड़े से कम घूम रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि आज के इस एपिसोड में मैंटिकोर टेम कर लेते हैं और अगले एपिसोड में डोडो वाइब्रन की आर्मी बना डालेंगे अपन सीधा भाई, ठीक है। चलो भाई लोग, अभी हमको जाना है सीधा यहाँ पे अपने बेस पे, एंड वहाँ पे एकदम मस्त देखेगी मैंटिकोर की लोकेशन ढूंढ लेने का, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है, रुक जाओ, ओके, हियर वी गो। मैंटिकोर सर जी,
मैंडीगोर, मैंडीगोर वैसे कौन कौन से तरह के मिलते हैं भाई यहाँ पे? मैंडीगोर है, अल्फा मैंडिस, ओके इंडोमिनस मैंडीगोर ही है भाई, और कोई नहीं है भाई, ठीक है। ओके ठीक है, ये यहाँ पे 600 लेवल का है, 6755 पे, ठीक है 6755, ठीक है चलो 6755 पे ही चलते हैं, क्योंकि अपन को जो है ना भाई हाई लेवल का मैंटिकोर बॉस टेम करना है भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना भाई अपन थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा वहाँ से, लेकिन कोई ना भाई, ठीक है 67 पे जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और डेजर्ट के अंदर घुसना पड़ेगा मेरे को बस। मैं जेली स्टार जो है ना इसको लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इसको लेके जाऊँगा तो 400 साल लग जाएंगे भाई, ठीक है। रुक जा बेटा, ओके हियर वी गो, इधर आ बेटा इधर आ, ओके ठीक है चलो भाई, ठीक है लोकेशन बता। 55 ना, 55 पे उड़ रहा हूँ मैं, 67 पे जाना है भाई, थोड़ा अंदर जाना है, हाँ थोड़ा सा अंदर जाना है भाई, ठीक है थोड़ा सा अंदर जाना है भाई। भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई मेरे को कितने ज़्यादा डोडो वाइवरन दिखाई दे रहे हैं, एकदम भर भर के डोडो वाइवरन दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई, ऑल राइट यार यहाँ पे भी बढ़ रहा है भाई ये। 58 पे पहुँच चुका हूँ मैं, 58 पे पहुँच चुका हूँ, आई थिंक मेरे को इधर जाना है कहीं पे ना, 55 पे जाना है ना, हाँ 55, हाँ अच्छा इधर जाना है, पहाड़ी के ऊपर है क्या 6755? ओके 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 ओके, यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर जाना है अपन को भाई। यहाँ पे डोडो वाइब्रन तो ऐसा भर भर के घूम रहे यार, ऐसा लग रहा है कि 10-12 एक साथ ही डेम कर लूँ अगले एपिसोड में, ठीक है। यहाँ पे ओरा मैंटिकोर नहीं, मैंटिकोर नहीं है वो, डोडो वाइब्रन ही है भाई। एक और आ ये रहा मैंटिकोर, 600 लेवल, इसको तो मैंने पिछले एपिसोड 520 है भाई, दो दो घूम रहे क्या? एक काम कर लेता ना, फिर दो दो को टेम करूंगा। हाँ शिप शिफ्टर जल दिया, चल दिया भाई चल दिया, अबे शिप शिफ्टर नहीं आना है, शिप शिफ्टर नहीं, मैंडिकोर बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, ठीक है मैंडिकोर भाई भाई इसके आगे जो ना मेरा आर्मर भाई एकदम पानी कम चाय पड़ रहा है, ठीक है ठीक है। टॉर्पोर एक्टिव है, ओपी बोलते है ब्रो गाइस, इसके आगे जो है ना भाई मेरा आर्मर जो है ना उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था यार, बाल बाल बच गया भाई इसके आँख में, ठीक है। रुक जाओ भाई, इसने भाई ये मिड बिड का भी इकट्ठा कर लिया, ये पता नहीं चला टेम भी हो गया क्या? वाह बेटे वाह, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं टेम हुआ, अच्छी बात है। चलो गाइज हम जो है दो दो मैंटिकोर टेप कर लेंगे भाई, और क्या ही चाहिए भाई, ठीक है आ जाओ ले बेटे। अबे यार इधर आ जा भाई, अबे इधर आ जा बैठ जा, हाँ भाई ठीक है चलो। 6755 है, ठीक है 55 पे आई थिंक मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। एंड 67 बोले तो मेरे को इधर जाना भाई, ठीक है मेरे को, हाँ भाई इधर जाना है। उसके बाद जो है ना, अच्छा मतलब ये पहाड़ी जो है ना भाई, इसके ऊपर हमको देखने को मिल जाएगा हमारा 600 लेवल का ओपी वाला मैंटिकोर बॉस। वैसे हमने दो दो बॉस टेम कर लिए, उल्टे मजे आ गए यार। वैसे मैंटिकोर जो है ना ज़्यादा आजू बाजू जो है ना भाई ज़्यादा नहीं घूम रहे थे भाई, थोड़ा थोड़े थोड़े घूम रहे थे, एक दो ऐसे घूम रहे थे, इसलिए जो है ना इनकी आर्मी अपन नहीं बना पाए, लेकिन बनाएंगे भाई। दो मैंटिकोर तो हो चुके हैं भाई, चार पांच और टेम करके एकदम ओपी वाली आर्मी बना देंगे। ये रहा मैंटिकोर, क्या बोला था गाइस पहाड़ी के ऊपर मिलेगा, मतलब मिलेगा ना मेरे पास जी। हेलो भाई, दो दो मैंटिकोर, व्हाट भाई, हेलो भाई एक्का डबल लक्ष्मी चिप फंड भाई, एक्का डबल चल रहा है क्या? मर जा बे भाई, इसके आगे दो दो मैंटिकोर मिल गए भाई, एक टेम करने आया था मेरे को, दो दो मिल गए भाई, खतरनाक गाइज। अपने मैंटिकोर की आर्मी टेम हो गई भाई, और क्या ही चाहिए बताओ, और क्या ही चाहिए भाई, आर्मी टेम हो गई भाई डायरेक्टली, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मेरे को डालना पड़ेगा ये भाई, ठीक है ले बेटे टेम भाई। तू कितने का है भाई? 788 भाई, ठीक है रुक जा, तू अनफॉलो करके ये पे रहे, ठीक है राइड कर ले सबसे पहले, ओके 788 मेरे हिसाब से जो है ना भाई, ये वाला 600 वाला है क्या? नहीं ये 520 वाला है, और ये हमारा मैक्स लेवल का मैंटिकोर है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई, ठीक है ये ले, अब ये तो ऐसे टेम हो गया, ठीक है गाइस। अपनी मैंटिकोर की जो आर्मी है ना, मैं आपको बेस पे जाके दिखा देता हूँ भाई, ठीक है बेस पे जाके दिखा देता है। आए मैंटिकोर वाह खतरनाक भाई, और इसके पास कौन कौन से अटैक्स है ना वो भी दिखा देता हूँ भाई। एक टेम करने आया था भाई, तीन टेम कर लिया अपन ने भाई, देख रहे हो देख रहे हो तो ना गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना यार, फटाफट लाइक कर लो यार, क्या कर रहे हो भाई, फटाफट झटाफट लाइक कर दो भाई, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, मतलब बनता है भाई, ठीक है। चलो अभी जो ना भाई बेस पे बस टेलीपोर्ट हो ही गए समझ लो भाई। ओह भाई उनकी साइज कितनी ज़्यादा बड़ी है, अबे तो यहाँ पे फिट ही ना होंगे, ये तो यहाँ पे फिट ही नहीं होंगे। ये क्या जेली स्टार है ना ये मैंटिकोर, एक रहा अपना भाई, मैंटिकोर उड़ने वाला होगा भाई, ये मैंटिकोर है क्या? नहीं ये रहा मैंटिकोर आई थिंक ना, ये शेप शिफ्टर है, हाँ ये रहा मैंटिकोर। एंड एक और फ्लायर होना चाहिए यहाँ पे, ये शेप शिफ्टर है, हाँ भाई ये रहे दोनों मैंटिकोर यहाँ पे नीचे ही है भाई, ठीक है। तो गाइज ये रही देखो भाई अपनी खतरनाक सी, ओ
बोल रहा है दूर दूर कर ले भाई स्पॉन। भाई इतने ज्यादा बड़े है ना भाई, भाई तीनों को रखने में इतनी ज्यादा जगह जो है ना भाई, ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा जगह लग रही है भाई इन तीन मैंटीकोर्स को रखने के लिए भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। आगे से चलो आगे से चलो भाई, तुझे मैं आगे से आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब गाइज क्या बोलती पब्लिक है ना, एकदम खतरनाक से ऐसा लग रहा है कि मैंने प्राइमल फियर वाले केओस मैंटीकोर टेम कर लिए। वैसे प्राइमल फियर में केओस वाले मैंटीकोर होते नहीं है, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है ना भाई केओस वाले मैंटीकोर टेम कर लिए, वो भी तीन तीन भाई, काफी ज्यादा कूल लग रहे यार। ऐसा दिल खुश हो गया भाई इनको देख के गाइज, खतरनाक यार। गाइज इस मैंटीकोर आर्मी के लिए भाई एक लाइक तो बनता है फटाफट, और भाई जो भी अभी तक सील वीडियो देख रहे हैं ना सब्सक्राइब भी कर देना यार। गाइस क्या ओपी लग रही है यार, क्या ही ओपी आर्मी लग रही है हमारी मैंटीकोर की। वैसे इसकी लेवल 780 759 एंड 788, तो ये हमारा मैक्स लेवल का मैंटीकोर है। तो यहाँ पे इन मैंटीकोर्स के लिए अच्छे अच्छे नाम डाल देना गाइस, मेल और फीमेल भी है, तो इनका क्या हम इनेबल ब्रीडिंग कर सकते हैं बिहेवियर। अच्छा बड़ा गाइज अगले एपिसोड में मैंटीकोर बेबी मैंटीकोर देखना चाहोगे गाइज, बेबी मैंटीकोर देखना चाहोगे, चलो भाई अगले एपिसोड में इनका मेटिंग कर लेंगे अपन भाई, ठीक है। फिलहाल इस मैंटीकोर की जो ना मैं पावर आपको दिखा देता भाई, ठीक है रुक जाओ वेट अ मिनट। अभी 1 बिलियन तो इसी हो गया भाई, पक्का सोडक का 1 बिलियन हो गया भाई। अच्छा ये 100 मिलियन ही है भाई, मेरे को लगा 1 बिलियन हो गया भाई, मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था भाई, मेरा पोपट हो गया भाई, ठीक है ले भाई। ओके इनकी हेल्थ जो है ना उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो थोड़ा सा झटका तो स्टार्टिंग में ही लगा है, बस इनका डैमेज अगर अच्छा चला जाता है ना तो ओपी रहेगा भाई। लुक तो इनका खतरनाक है यार, लुक देखो भाई, लुक तो मैंने दिखाई दिया फिर भी देखो, देख रहे हो क्या ओपी लुक लग रहा है भाई। मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ, नीचे से आपको दिखा देता हूँ, इनका लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है एकदम भाई। केओस वाले जो क्रीचर होते हैं ना प्राइमल फियर में, सेम टू सेम उनकी तरह लगता है भाई। अगर केओस वाला कभी मैंटीकोर बने ना तो सेम टू सेम इसकी तरह ही बनेगा। ये देखो क्या देख रहा है मेरी तरफ, ओए हाय ओए हाय देखो जरा भाई खतरनाक। अब इसके पास कौन कौन से अटैक है उड़ के देखना है भाई, ठीक है। जमीन पे सिर्फ एक या दो ही अटैक करता है, लेकिन अगर आप इसको हवा में उड़ाओ तो इसके सारे अटैक आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। राइट क्लिक पे अटैक है, लेफ्ट पे नहीं है, सी पे एक्स पे। अच्छा एक्चुअली में मैंटीकोर का उल्टा होता है, ये उड़ के अटैक नहीं दिखाता है, जमीन पे अटैक दिखाता है, ठीक है। थोड़ा सा माँ मिस्टेक भाई, ये देखो ठीक है, ये पॉइजन वाला इसका स्टर्न अटैक, और ये है ये क्या है, ये ऐसा भाई गोल गोल घुमा रहा है कुछ तो, एंड और कोई भी अटैक नहीं दे रहा भाई, ठीक है। ऑल राइट थोड़ी सी लेवल अप आ चुकी है, गेम का हाउस थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो है ना भाई अटैक का जो आवाज़ है ना कुछ ज़्यादा है मेरे को सुना दे रहा है, ठीक है। लेट्स गो अभी चल के देख लेते हैं कि मैंटीकोरवा जो है ना भाई यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। लेवल अप आ चुकी है, ठीक है चल बेंटाए। ये स्पीड तो काफ़ी होती है भाई, वो डैमेज भी काफ़ी सही है, मेरे को लगा था डैमेज इसका 30 होगा लेकिन डैमेज काफ़ी सही है। ये पूछ वाला अटैक कितना है, वे देना तो कुछ नहीं कर पा रहा, वे तो कुछ नहीं कर पा रहा। सी वाला अटैक भाई कुछ तो कर ले उससे भाई, सब ये अटैक सारे के सारे भाई फालतू है भाई, ठीक है। ये आई थिंक किसी बड़े डायनो के ऊपर ट्राई करना चाहिए, लाइक रेक्स के ऊपर जो अपने हाइट में जो है ना सेम टू सेम है, पकना बेस क्या वो सबको मार दिया आजू बाजू में जुड़ते है, ठीक है। ले बेटे डंक मार, ओ इसको कुछ तो हुआ क्या हुआ भाई, इसको पॉइजन चढ़ा क्या, नहीं कुछ नहीं हो रहा भाई, ना ही डैमेज पड़ रहा है भाई, वो शो के लिए अटैक है गाइज, इसके जो सारे के सारे अटैक है ना गाइज बस शो के लिए है। इले भाई मैक्स एक्सपी पोशन भी खा ले, मेरे को लगा इसका कुछ फ़ायदा होगा यार, तो पोपट मेरा ही हो गया गाइज, ठीक है। मेरे हिसाब से इनका डैमेज जो है ना वो सही जाएगा भाई, 10 मिलियन अगर क्रॉस कर लिया ना तो भी सही है, देख लेते चलो 7 मिलियन ओनली यार, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ओनली से पाए नहीं की का बॉस है क्या, बॉस है क्या, लाओ बोले भाग बेस क्या पाए नहीं की का बॉस गाइज, क्या बोलती पब्लिक, कर ले फाइट 100 मिलियन है, 100 मिलियन है भाई, ठीक है रुक जाओ। आई थिंक मैं फेल करता हूँ उसको, अबे पानी पेगा वो ऐसे खड़े खड़े मार दूंगा, मजाक कर रहे हो भाई, भाई मैंटीकोर के ऊपर असर नहीं हो रहा कोई, हेलो ये कैसे गाइस, आपको पता है कि पानी गीगा जो है ना उसकी पावर कितनी ज्यादा है, अगर आपने मेरी पहले वाली बॉस फाइट्स देखी है पानी गीगा के साथ तो आपको पता है कि पानी गीगा कितना ज्यादा गंदा मारता है भाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100K का डैमेज दे पा रहा है, मतलब ये मैंटीकोर जो है ना इसके पास कोई ना कोई शील्ड है या फिर कोई पावर है जिसके कारण जो है ना भाई ये बॉसेस भी इसको कम डैमेज दे रहे हैं भाई, और मेरा 4 मिलियन डैमेज जा रहा है उसको, खतरनाक भाई।
फुल टू मौज कर दी भाई, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय भाई। खा भी गया मैं उसको मार के, मस्त भी की तेल में फ्राई करके खा गया भाई, मजा आ गया भाई। गाइज ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इसको मारने से मेरे पास भाई काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट ऐड हो गए होंगे भाई, मेरे को लगा था। ये देखो भाई काफी सारे के सारे आर्टिफैक्ट जो है ना वो ऐड हो जाते हैं यार यहाँ पे। क्या भाई ये क्या हरियाली गएंगे क्या, सारे के सारे हरे कछुए यहाँ पे घूम रहे हैं की आग। ठीक है गाइज ये मैंटिकोर मेरे को लगा था उतना ज्यादा ओपी नहीं है, लेकिन बॉसेस के अगेंस्ट जो है ना भाई ये मैंटिकोर काफी अच्छी तरीके से फाइट ले पाता है भाई। ठीक है ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अरे यार ब्लड स्टॉकों को भी टेम करना भाई, मैं कब से ब्लड स्टॉकों को टेम करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा। लेकिन ये मैंटिकोर मेरे को काफी पसंद आया यार, अभी अभी एकदम फुलटे से दिल जीत लिया यार, अभी दिल जीत लिया। मेरे को लग रहा है कि अभी जो है ना भाई ये अपना टाइटन गॉड जो है ना भाई उसको भी बड़े आराम से मार पाएगा, क्योंकि 4 मिलियन इसका डैमेज जा रहा है भाई बॉसेस के अगेंस्ट। लगभग इसका बेसिक डैमेज जो है ना भाई वो यहाँ पे 8 मिलियन का है, लेकिन बॉसेस के अगेंस्ट जो है ना थोड़ा सा आधा हो जाता है भाई उसका डैमेज, खतरनाक भाई। ये मैंटिकोर जो है ना ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आएगा। आपको ये जो मैंटिकोर है ना 1 से लेकर 10 तक भाई आपको यहाँ पे जो है ना भाई इसको रैंकिंग देनी है। इसकी स्पीड भी काफी ओपी है यार, देख रहे हो कितने कम समय में इसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया भाई यहाँ पे। थोड़ा सा लैग भी कर रहा है भाई। ठीक है तो आपको जो ना 1 से लेकर 10 तक जो है ना भाई इसको रैंक दे देना है, और मेरे को बता देना है कि आपको ये खतरनाक सा एंड ओपी सा जो मैंटिकोर बॉस है ना भाई वो कैसे लगा। अगर आपको ये बॉस जो है ना भाई और इनकी आर्मी जो अपन ने टेम करी है ना वो खास करके अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर गाइस यहाँ पे आपने अभी तक एनी के चैनल को चेकआउट नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कर लेना गाइस। ठीक है तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आग इटर्नल के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only